आई फील खुदा जब नेमते बांट रहे थे, किसी के लिए वर्ल्ड कप, किसी के लिए ऑस्कर्स, मेरे मुकद्दर में तुम्हें लिख दिया। रोमांटिक फिल्म है, हल्की फुल्की कॉमेडी भी है, एक्शन भी है, लेकिन जो मेन इस फिल्म का वो है वो रोमांस है, और पहला रोमांस है। सो इट्स अबाउट यंग लोगों का पहला प्यार। सो वो इस फिल्म का USP है और इसलिए इसका नाम बेबीलिशियस है। लव स्टोरी है और वो जो आपकी यंग उम्र में जो एक फुल ऑफ पैशन और जज्बात वाली लव स्टोरी होती है वो है, और उसके डायनामिक्स हैं, और फिर उसमें बीच में दोस्त हैं, उनका ह्यूमर है, तो मज़ा आएगा। हमारी वैसी पाकिस्तानी मूवीज़ कम बनती हैं तो उनको एक बार तो देखना बनता है। और बहुत लोगों ने मेहनत की है, बहुत लोगों ने मेहनत की है, और उस मेहनत को देखने ज़रूर आएँ। एक पाकिस्तानी फिल्म है और एक अच्छी पाकिस्तानी फिल्म बनाने की कोशिश की है, इसलिए नहीं कि सिर्फ आप क्योंकि पाकिस्तानी फिल्म है आप आएँ और सपोर्ट करें पाकिस्तानी सिनेमा में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाह रहा। देखें, अच्छी फिल्म होती है तभी मैं भी जाऊँगा देखने। मैं खुद अच्छी फिल्म देखता हूँ, कोशिश करता हूँ वो फिल्म ही देखूँ जो मुझे मुझे मज़ा आए, और ये हमने कोशिश की है इस फिल्म को बनाते वक्त कि हम इसको ख़ुद भी देखें तो इंजॉय करें। ऐसे नहीं है कि पाकिस्तानी फिल्म है तो इसके पास एक लाइसेंस है कि ये बुरी हो सकती है, ऐसा नहीं है। हमने पूरी कोशिश की है कि आपको ये वो ही एंटरटेनमेंट दे जो एक बड़ी इंडस्ट्री की फिल्म देती है। देखिए, बात सारी नरेशन की है। फिल्म एक ऐसा मीडियम है जिसको अगर नरेट सही तरह किया जाए तो एक कमरे में भी बताई गई फिल्म फिल्म हो सकती है, और एक अरब भी लगा हो तो वो 10 मिनट में फिल्म बहुत डॉन्टिंग, बहुत बुरी हो सकती है आपके लिए। तो फिल्म तो एक मीडियम है जिसको सुनानी आती है कहानी, वो चाहे हॉलीवुड हो, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे ये इंडस्ट्री हो। अब मुझे लगता है हमें ज़्यादा अच्छे लोग मिल गए हैं जिनको सुनानी आती है कहानी। अगर सिनेमा भरा होगा तो चार लोग बैठे होंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। We would love to go and surprise people जो देख रहे हैं फिल्म, लेकिन what if we go and we get surprised? ताज़ा तरीन खबरें, तहकीकाती रिपोर्ट्स और स्टॉक मार्केट के हालात, खेलों की खबरें, शोबिज और सोशल मीडिया ट्रेंड्स सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। MM News की एप्लीकेशन डाउनलोड करें और बाखबर रहें।